मनीष अपनी बूढ़ी माँ को लेकर एक वृद्धाश्रम पर पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद वह रिसेप्शन पर जाता है और अपनी माँ को वहाँ पर रखने के लिए बातें करने लगता है, लेकिन जो महिला रिसेप्शन पर बैठी हुई थी वह उससे कहती है कि आज तो आपका काम नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ की जो मैनेजर हैं वो 2 दिन के लिए बाहर गई हैं, तो 2 दिन बाद ही आपका काम हो पाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद मनीष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उनसे रिक्वेस्ट करता है अपने गुस्से को दबाते हुए और कहता है कि देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरा अभी के अभी वापस जाना जरूरी है। लेकिन तभी जो महिला रिसेप्शन पर बैठी हुई थी तो वो कह देती है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, जब तक हमारी मैनेजर नहीं आ जाएंगी तब तक हम आपकी माँ को यहाँ पर रखने के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इस बात को सुनने के बाद मनीष को गुस्सा तो आता है लेकिन फिर वो वहाँ पर बैठी हुई अपनी माँ के साइड में जाकर बैठ जाता है। अब माँ जैसी अपने बेटे को परेशान देखती है तो उससे कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो उसके बाद जो बेटा होता अपनी माँ पर झिल्लाते हुए कहता है कि माँ आप चुप रहो, थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ सोचने दो। थोड़ी देर में कुछ सोचता सोचने के बाद दोबारा से उस महिला के पास जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है कि मैडम देखो अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको 1,00,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन आप मेरी माँ को यहीं पर रख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे बहुत सारा कंपनी का काम करना है, अगर वो काम मैंने नहीं किया तो मेरे सर मुझ पर डांट लगा देंगे। इसके बाद जो रिसेप्शन पर महिला थी वो कहती है कि साहब पैसों की तो कोई बात ही नहीं है, अगर मैनेजर आ जाती हैं तो ही आपकी माँ यहाँ पर रह सकेगी, वरना आपकी माँ को हम यहाँ पर ऐसे नहीं रख सकते। इसके बाद वह मनीष से कहते हैं कि अगर आप लोग दूर से आए हो तो आप ऐसा करो मैं यहीं पर आपका ठहरने का इंतजाम करा देती हूँ, तो आप यहीं पर आराम कर लो और सुबह सुबह यहाँ से निकल जाना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी थी और मनीष बता रहा था कि वह वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर से आया है, तो इसी वजह से जो रिसेप्शन पर महिला थी वह उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहने लगती है। इसके बाद वह महिला उनके रुकने का इंतजाम कराती है, एक व्यक्ति को वहाँ पर बुलाती है और कहती है कि इनके लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार कर दो, वहाँ पर ये रात बिता लेंगे और सुबह सुबह ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। वह व्यक्ति उस मैडम के कहे अनुसार एक कमरे को अच्छे से तैयार करता है, जमीन पर 2 बिस्तर लगाता है और उस कमरे के अंदर उन्हें ले जाकर छोड़ देता है। मनीष उस कमरे के अंदर जाकर अपना लैपटॉप निकालता है और कंपनी के काम को करने लगता है। वह वहां पर बैठा हुआ काम कर रहा था लेकिन तभी मनीष की माँ अपने झोले को उठाती है और उसमें से एक लंच बॉक्स निकालती है। लंच बॉक्स के अंदर उसने पहले ही रोटी बनाकर रख ली थी और सोचा था कि ज्यादा देर हो गई तो वहीं पर रोटियों को खा लेंगे। उसके बाद वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम्हें भूख लगी हो तो खाना खा लो, मैंने सुबह ही बनाकर अपने साथ रख लिया था और सोचा था कि न जाने कहां पर किस तरह से रहना पड़ेगा, लेकिन तू भी मेरे साथ यहीं पर है तो तू भी रोटी खा ले, मैं भी खा लेती हूं। लेकिन जो मनीष होता है वह अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त था। तो उसके बाद जो शांता देवी होती हैं वो धीमी सी आवाज में कहती है कि अच्छा ठीक है मैं ही अपने हाथ से खिला देती हूं, फिर ना जाने कब ये मौका मिले या ना मिले। ऐसा कहकर शांता देवी उस खाने में से एक निवाला बनाती हैं और उसे मनीष के मुंह की तरफ ले जाती हैं। लेकिन तभी जो मनीष होता है वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि माँ तुम्हें खाने पीने की पड़ी है, मेरा यहाँ पर ऑफिस का सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे काम कर लेने दो और तुम ही खा लो इन रोटियों को। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ को धमका दिया था तो उसकी माँ मायूसी होकर अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और बैठी बैठी वो अपने उन दिनों को याद करने लगती है जब उसकी नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद वह इस घर में आई थी जिस घर से आज उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आया है। शांता देवी की जब शादी हुई थी तो शादी के बाद उसके पति उससे बेहद ही प्यार किया करते थे, लेकिन वो कमाते धमाते नहीं थे। घर के अंदर उनके ससुर और एक जेठ था, जेठ अच्छा खासा कमाया करता था, ससुर की भी पेंशन आया करती थी तो उन्हीं पैसों से घर का गुजारा हुआ करता था। तो इसी वजह से जो शांता देवी होती हैं वह घर के अंदर का सारा काम किया करती और अपनी सास की भी चहेती बन जाती हैं, क्योंकि जो उसकी जेठानी थी उसका पति कमाया करता था तो सास उससे कुछ भी नहीं कहा करती थी और इसी वजह से उसकी सास की जितनी भी मर्जी चला करती थी वो शांता देवी पर चला करती थी। इन बातों को सोचती रहती है और फिर उसके बाद जैसे जैसे उनके दिन बीते थे वैसे वैसे सोचती है। कुछ दिनों बाद उन पर एक लड़का हो गया था जिसका नाम था मनीष, और जैसे ही मनीष ने उनकी जिंदगी में कदम रखा था तो उसके बाद उनके घर में खुशहाली आना स्टार्ट हो गई थी। उसके पति जो कहीं पर भी काम धंधा नहीं किया करते थे अब वो एक अच्छी सी नौकरी लग जाते हैं और नौकरी लगने के बाद घर का गुजर बसर अच्छी तरह से करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ उसके सास ससुर भी मर गए थे और उसके जेठ और जेठानी उससे अलग रहने लगे थे। अब शांता देवी और उसका पति और उसका बेटा मनीष एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते थे और इसी तरह से जो मनीष है वो बड़ा हो जाता है, शादी के योग हो जाता है। शांता देवी और उसके पति ने बड़ी मेहनत से और लाड़ चाप से उसको पाल पोस कर बड़ा किया था और उसको पढ़ाया लिखाया भी था। इसके बाद मनीष जैसे ही शादी के योग होता है तो वह भी एक अच्छी सी नौकरी में लग जाता है और नौकरी लगने के बाद शांता देवी मनीष की एक लड़की से शादी करवा देते हैं और जिस लड़की से मनीष की शादी हुई थी उसका नाम था कोमल। कोमल मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी और वह ना ही कुछ काम किया करती थी तो सारा काम घर का शांता देवी को करना पड़ा करता, लेकिन इसके बावजूद भी जो शांता देवी है वो बड़ी खुश रहा करती है और अपने बेटे की बहू के ऊपर लाड़ किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ जो शांता देवी का पति
पति होता है उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब उसकी मौत हो गई थी तो घर के अंदर केवल 3 सदस्य रह गए थे, शांता देवी, उसका बेटा और उसके बेटे की पत्नी। अब ये तीनों लोग घर के अंदर रहा करते, बेटा काम करने के लिए बाहर जाया करता और जो शांता देवी है वो घर का सारा काम किया करती और जो उसके बेटे की पत्नी है वो इधर उधर पार्टियों में घूमा करती। उसकी ढेर सारी सहेलियां थी और उन सहेलियों से मिलने जुलने के लिए जाया करती और इस बात के बारे में जो उसका बेटा था मनीष उसे भी पता था, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहता है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। शांता देवी के बेटे को एक बेटा हो जाता है और उस बेटे को पाकर जो शांता देवी वो बड़ी खुश होती है और सोचने लगती है कि चलो अच्छा हुआ फिर परिवार के अंदर 4 सदस्य हो गए हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीता है और कुछ समय बाद जो शांता देवी के बेटे की पत्नी है जिसका नाम है कोमल, वह शांता देवी से लड़ाइयां करने लगती है। अब शांता देवी बहुत कोशिश किया करती कि उसकी बहू से उसकी लड़ाई ना हो, लेकिन उसकी बहू बार बार उसके काम में नकल निकाला करती और इन्हीं बातों को लेकर वह उससे झिल्लाने लगा करती। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ ये लड़ाइयां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और जैसे ये ज्यादा बढ़ गई थी तो उसके बाद ये बातें मनीष के कानों तक भी पहुंच जाती हैं। अब मनीष अपनी माँ से प्यार तो किया करता है लेकिन फिलहाल वो अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहा है और हो क्या रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वह काम किया करता और वापस आने के बाद भी ऑफिस का काम घर पर बैठकर किया करता। उसकी पत्नी उससे बार बार कहा करती कि सासू माँ मुझे परेशान किया करती हैं और आप ऐसा करो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। काफी दिन ऐसा सुनते सुनते मनीष को हो गए थे तो तभी एक दिन जो मनीष होता है वह फैसला करता है कि ठीक है वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देगा। इतनी ही देर में कमरे के अंदर एक व्यक्ति आता है जो अपने साथ चाय लेकर आया था। अब इसको देखने के बाद जो शांता देवी है वो अपने सोच विचार से बाहर निकलती हैं और उस व्यक्ति की चाय को उसके हाथ से ले लेती हैं और उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हैं और वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद जो शांता देवी होती हैं वह अपने बेटे की तरफ देखती हैं जो अभी तक भी काम कर रहा था, तो वह धीरे से अपने बेटे के पास जाती हैं और उसे चाय के लिए पूछने लगती हैं, लेकिन उसका बेटा एक बार फिर से उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मां तुम्हें तो खाने पीने की पड़ी है, तुम्हें यह नहीं पता कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, अगर इसमें कोई गलती हो गई तो घंटों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और वो मैनेजर है जो कि छुट्टी मनाने के लिए बाहर चली गई है, ये नहीं पता किसी व्यक्ति को कितना अर्जेंट काम होगा। इतनी ही देर में जो रिसेप्शन पर महिला बैठी हुई थी वह उनके दरवाजे को खोलती है और इस बात को सुनकर जो मनीष होता है वह अपनी बातों को बदल देता है। वह कहता है कि आइए मैडम बताइए क्या बात है, आप किस वजह से आई हो। तो वह महिला कहती है कि नहीं मैं तो वैसे ही आ गई थी, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद मनीष खड़ा होता और खड़ा होने के बाद उस महिला से बात करने लगता है, कहता है कि मैडम कैसे भी करके कल तो आप मेरी माँ को यहीं पर रख लोगे ना, चाहे आप उसके लिए मुझसे 2 लाख रुपए ले लो, मैं 2 लाख रुपए का चेक काट कर आपको दे दूंगा। लेकिन तभी वह महिला कहती है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जब तक मैनेजर नहीं आएंगी तब तक हम आपकी माँ को यहाँ पर नहीं रख सकते। ऐसा कहकर मैडम वहां से चली जाती है और जो मनीष होता है दोबारा से अपने काम में लग जाता है। इसके लगभग आधे घंटे बाद वह मैडम दोबारा से आती है और उससे कहने लगती है कि सर अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप अगर मेरा एक काम कर दोगे तो सुबह मैं आपकी माँ को यहीं पर रख लूंगी। अब इस बात को सुनकर मनीष को हैरानी तो होती है, वो सोचता है कि 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने मना कर दिया, और ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने के बाद ये मेरी माँ को यहाँ पर रख लेंगे। तो वह पूछता है उस मैडम से कि बताइए मैडम आपका क्या काम है। तो उसके बाद वह मैडम उसे बताती है कि हमारे वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो काफी दिनों से अपने पोते के आने की बाट देख रहे हैं और वो फिलहाल काफी ज्यादा बीमार है, हो ना हो 1-2 दिन में वो ऊपर वाले के पास चले जाएंगे और उनकी अंतिम इच्छा ऐसे ही रह जाएगी। उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहा करता है और उनका पोता भी वहीं रहा करता है, तो मुझे तो उनके आने की उम्मीद नहीं है। कई बार मैंने उनके पास फोन भी किया था लेकिन उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया है यहाँ पर आने से, तो मैं चाहती हूँ तुम कुछ देर के लिए उसका पोता बन जाओ और पोता बनने के बाद थोड़ी सी उससे बात करो और बात करने के बाद उस बुजुर्ग की आत्माओं को तसल्ली मिल जाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो मनीष होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं उसके पोते को कहाँ जानता हूँ और मुझे क्या पता वो क्या करता है कहाँ पर रहता है। तो उसके बाद वह महिला उससे कहती है कि इसकी तुम्हें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें केवल ये ध्यान रखना है कि उसके पोते का नाम पवन है और तुम्हें उनके सामने अपना नाम पवन बताना है, बाकी उन्हें कुछ भी नहीं पता। बचपन में जब उसका पोता छोटा था तो उसके बच्चे उन्हें यहाँ पर छोड़कर चले गए थे और काफी दिनों बाद उसकी शक्ल जाहिर सी बात है बदल गई होगी, तो वे कहाँ पहचानने वाले हैं, आपकी वजह से उस व्यक्ति का भला हो जाएगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो मनीष होता है वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और उस महिला के साथ साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति के कमरे में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह बिस्तर पर देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने
बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। देखने से लग रहा है कि ये खड़े भी नहीं हो पाएंगे और उनको लगातार दवाइयां चढ़ाई जा रही हैं। इसके बाद जो वह मैडम थी वह वहां पर जाती है और वहां जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहने लगती है कि बाबा देखो आपसे मिलने के लिए कौन आया है। तो उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति कांपती हुई आवाज में कहता है कि बेटी कौन आया है, तो वो कहती है कि आपका पोता आया है पवन, जो कि आपसे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आया है। अब इस बात को सुनने के बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आती है और वह अपनी आंखें खोलकर उस लड़के की तरफ देखने लगता है जो कि मनीष था। अब जो रिसेप्शन वाली महिला थी वो उनसे कहने लगती है कि बाबा इसको थोड़ी देर का टाइम मिला है और उसके बाद इसे वापस जाना है, तो आप थोड़ी देर के लिए इससे बात कर लो, मैं यहां से चली जाती हूं। ऐसा कहकर वह महिला वहां से चली गई थी। अब जो मनीष था वह अपने आप को असहज महसूस करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसने ये काम अच्छी तरह से कर दिया तो उसकी माँ को यहीं पर रख लेंगे और दोबारा से उसे डोलना नहीं पड़ेगा। तो वह वहां पर एक चेयर पर बैठने लगता है, लेकिन तभी वह बाबा उससे कहता है कि बेटा वहां कहां, यहां बैठ जाओ, काफी दिन हो गए तुझे देखे, अब तो तू बहुत बड़ा हो गया है रे, और इतने दिनों बाद तू मुझसे क्यों मिलने आया है, पहले से तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई क्या, तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हें किस तरह से मार्केट ले जाया करता था और वहां से खाने के लिए सामान लाया करता था। अब इन बातों को सुनकर जो मनीष होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि दादाजी ऐसी बात नहीं है, थोड़ा काम धंधा ही ऐसा हो गया था तो उसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति उससे उसके माता पिता के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि मेरा बेटा कैसा है, तो मनीष उसे कहता है कि हाँ वो भी ठीक है, आपको याद करते हैं लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि मेरा बेटा कैसा है, आखिर मैं उसका भी बाप हूँ, उसका तो मुझे पहले से ही पता था कि वो कभी भी मुझे देखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये पता था कि तू मुझे जरूर देखने के लिए आएगा और मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसा मेरे बेटे ने मेरे साथ किया है ऐसा तुम उन लोगों के साथ कभी भी मत करना, क्योंकि मेरी पत्नी उसे देखने के लिए तरसती तरसती इस दुनिया को छोड़कर चली गई लेकिन वो निर्दय कभी भी उनके पास नहीं आया, तो मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि तू अपने माता पिता के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि हमने अपने बेटे को बड़े ही लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ा किया था, उसके बावजूद वो हमें यहाँ पर छोड़ गया और इसी तरह से वो तेरे ऊपर पैसा लगा रहे होंगे, तो तू अपने माता पिता को कभी भी इस तरह से बुढ़ापे में मत छोड़ना, क्योंकि एक माँ बाप पैसा कमाता है किस लिए, क्या इस दिन को देखने के लिए, नहीं, माता पिता इस वजह से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में वो उनका साथ देगा और उनके साथ हंसी खुशी रहेगा। अब बुजुर्ग व्यक्ति को और क्या चाहिए, ना तो उसे कोई शौक मौज होता है और ना ही उसे पैसों की जरूरत होती है, उसे तो केवल प्यार के दो पल चाहिए जिन प्यार के पलों के लिए वो अपनी औलाद को बड़ा करता है। तो मैं तुझसे यही गुजारिश करता हूं कि तू कभी भी अपने माता पिता को इस तरह से मत छोड़ना जैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। ऐसा कहकर जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसकी आवाज दोबारा से कांपने लगती है और वह अपने पोते से कहता है कि ठीक है बेटा, मैंने तुझे देख लिया और मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, अब भगवान का जब मन करे जब मुझे ले जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने पोते से वहां से जाने के लिए कहता है। तो जो मनीष होता है इन बातों का उसके दिमाग पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद मनीष वहां से बाहर निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और ये सारी बातें घूम रही थी कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या करता है और जब वही बच्चा उसे वृद्धाश्रम छोड़ देता है तो उसको क्या क्या सहन करना पड़ता है। इस बात को सोचते हुए अपने उसी कमरे में जाता है जहां पर उसकी माँ आराम कर रही थी और वहां पर अपने बिस्तर पर लेटने लगता है। अब लेट तो गया था लेकिन इधर उधर करवटे बदल रहा था, उसको जरा सी भी नींद नहीं आ रही थी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अगर तुझे नींद नहीं आ रही तो मैं सुला देती हूँ। ऐसा कहकर उसकी माँ उसके सिराने आती है और उसके सर को अपनी गोद में रख के उसके सर पर हाथ फेरती है और उसे सुलाने लगती है। थोड़ी देर तक हाथ फेरने के बाद मनीष जो है वो सो जाता है और सोने के बाद सुबह सुबह 8 बजे उसकी आंखें खुलती हैं। अब जैसे उसकी आंखें खुली थी तो उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो वह जल्दबाजी में अपना सामान अपने बैग के अंदर रखता है और रिसेप्शन पर जाकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने लगता है और इसके बाद मनीष अपनी कार लेकर सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों ऑफिस जाने के बाद भी दिमाग में उसके यही बातें घूम रही थी। पूरे दिन भर वह इन बातों के बारे में सोचता रहता है और सोच सोच कर मायूसी उसको घेर लेती है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय वह अपने ऑफिस का काम निपटाकर अपने घर जाता है और घर के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो एकदम से उसकी पत्नी आती है कोमल और कहती है कि छोड़ आए माँ को। इसके बाद जो मनीष होता है वह अपना हामे सर लाता है और घर के अंदर जाने लगता है, तो वह उससे कहती है कि जल्द से जल्द आप हाथ मुंह धो लो, उसके बाद मैं खाना लगा देती हूँ और खाना खा लेना। इस बात को सुनकर मनीष अपने कमरे के अंदर चला जाता है और बिस्तर पर ऐसे ही पड़ा पड़ा सोच रहा था। पूरी रात भर वह ऐसे ही जाग जाग कर इन बातों को सोचता रहता है और रात भर सोचने के बाद वह एक फैसला अपने मन के अंदर कर चुका था। सुबह सुबह वह जल्दी उठता है, जल्दी उठने के बाद अपनी कार लेता है और दोबारा से उसी वृद्धाश्रम पे पहुंच जाता है और उस महिला से कहता है कि मैडम मुझे अपनी माँ से मिलना है, मेरी माँ कहाँ है उनको बुला दीजिए। लेकिन वो मैडम उससे कहने लगती है कि आप अपनी माँ से नहीं मिल सकते, तो वह कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या वो सो रही है, अगर वो सो रही है तो मैं यहीं पर वेट कर लूंगा और जब वो जग जाएंगी तो आप उन्हें यहाँ पर बुला देना, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ। इसके बाद वो कहती है कि वो सोई नहीं है, वो मंदिर गई है, वहां पर वो सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा करने के लिए चली
पकड़ी गई हैं। अब इसके बाद जो मनीष होता है वहीं पर बैठ जाता है और अपनी माँ की आने की राह देखने लगता है। अब थोड़ी देर बाद उसकी माँ और भी कुछ महिलाओं के साथ वहां पर आने लगती है और जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो एकदम से आवाज लगाता है कि माँ, और इस तरह से कहकर उसकी तरफ भागने लगता है। अब जैसे ही उसकी माँ शांता देवी उसे देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसा दृश्य कभी कभी उसे बचपन में देखने को मिला करता था। जब वह अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाया करती थी तो वह इसी तरह से भागकर उसके पास आया करता था। इस बात को देखकर शांता देवी की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी आंखों के आंसू टपकने लगे थे। इतनी देर में मनीष वहां पर पहुंच जाता है और एकदम से अपनी माँ को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि माँ, चलो मैं आपको लेने के लिए आया हूँ और मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। लेकिन तभी उसका बेटा कहता है कि घर बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वह रिसेप्शन पर जाता है और रिसेप्शन पर जाने के बाद उस महिला से कहने लगता है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी माँ को नहीं रखना चाहता। ऐसा कहकर वह चलने लगता है, लेकिन तभी महिला उसको रोक लेती है और कहती है कि आप इस तरह से अपनी माँ को नहीं ले जा सकते, इसके लिए भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसको करने के बाद ही आप इन्हें ले जा सकते हो। तो वह कहता है कि ठीक है, आपकी जो भी कार्रवाई है मैं उस दिन आकर निपटा दूंगा जिस दिन आपकी मैनेजर आ जाएगी। लेकिन तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैनेजर यहीं पर है और आप ऐसा करो, उन कागजी कार्रवाई को निपटा दो और उसके बाद अपनी माँ को ले जाना। इसके बाद मनीष मैनेजर की कैबिन की तरफ जाता है। तो वह महिला उस कैबिन के अंदर जाती है और एक फॉर्म निकाल कर उसके सामने रख देती है और कहती है कि आप इस पर साइन कर दो, बाकी फॉर्मेलिटी मैं आप पूरी कर लूंगी। तो वह देखता है कि उस मैनेजर के कैबिन के अंदर उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और उसे देखकर वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। वह कहता है कि आप ही यहाँ की मैनेजर हो? तो वह महिला कहती है कि हाँ, मैं ही यहाँ की मैनेजर हूँ। तो वह कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वह कहती है कि मेरा यही तरीका है, मैं औलाद को एक चांस देती हूँ ताकि वह यहाँ पर रहकर बुजुर्गों की तरफ देख सकें और उनकी भावनाओं को समझ सकें कि उन्हें बुढ़ापे में अपनों की जरूरत होती है, ना कि हम उम्र लोगों की। इसके बाद मनीष एकदम से उस महिला के सामने हाथ जोड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि मैडम, आपने जो मुझ पर उपकार किया है उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अनजाने में मैं एक ऐसा पाप करने जा रहा था जिस पाप के लिए मुझे भगवान भी माफ नहीं करता। ऐसा कहकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि जिंदगी में अगर कभी भी आपको कैसी भी कोई जरूरत हो तो आप बेफिक्र होकर मुझे बता देना। ऐसा कहकर जो मनीष होता है वहां से अपनी माँ को लेता है और वापस घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में बार बार उसका फोन बज रहा था तो उसकी माँ शांता देवी उससे कहती है कि बेटा तेरा फोन बज रहा है, इसको उठा ले, ना जाने किसी को कोई जरूरी काम हो। तो उसके बाद मनीष उस फोन को उठाता है। वह फोन उसकी पत्नी का था जो सुबह से लगातार उसे फोन कर रही थी। तो उसके बाद उसकी पत्नी उस पर नाराज होती है और कहती है कि कहां थे सुबह से, मैं सुबह से तुम पर फोन कर रही हूं और कहां चले गए सुबह सुबह। तो वह कहता है कि मैं अपनी माँ को लेने के लिए वृद्धाश्रम आया था और मैं अपनी माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। उसकी पत्नी फोन पर ही उससे बुरी भली बातें सुनाने लगती है और कहती है कि यहाँ पर माँ को मत लेकर आओ और ये यहाँ पर रहेंगी तो मैं इस घर के अंदर नहीं रहूंगी। इसके बाद मनीष अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है, अगर तुम्हें इस घर के अंदर मेरी माँ के साथ रहना है तो रह सकती हो, वरना तुम कहीं भी जाओ, मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। इन्होंने हमें इस दिन को देखने के लिए बड़ा नहीं किया था और मैं अपनी माँ को लेकर घर आ रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। इसके बाद उसकी पत्नी रूठकर मायके चली जाती है और मनीष अपनी माँ के साथ घर में रहने लगता है, उसकी देखभाल किया करता। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन जो उसकी पत्नी होती है वह भी उसके घर पर आ जाती है और आकर अपनी सास और अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि जैसे वो मायके के अंदर रही थी तो वहाँ पर उसके भैया और भाभी ने उसे परेशान कर दिया और इसी परेशानी को सोचते हुए वह वापस से अपने घर आ गई और वहीं पर मिलजुल कर रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के की जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर उसने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद उसका सीना कांपने लगा। आप क्या कहना चाहते हो मनीष के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो शांता देवी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।